मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौरा पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौ। कविता का शीर्षक देता हूं एक पंक्ति में और पूरे सदन का समर्थन मांगता हूं आपको लगे कि इस कविता का शीर्षक मैंने ठीक दिया है। मन से सुनिएगा पीछे तक। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैंने भू पर रश्मिरथी का घोड़ा रुकते देखा है, मैंने भू पर रश्मिरथी का घोड़ा रुकते देखा है, पांच तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है, पांच तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है। मैं दिनकर का वंशज दिल्ली को दर्पण दिखलाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता। घटना से जुड़िएगा जैसे घटना घटी। जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, असमंजसता बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर, भीम छिपा कर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन में, अर्जुन का गांडी पड़ा था कायरता के आंगन में, रावण वट हास करता था पंचवटी की राहों में, राम घिरे लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में, राम घिरे लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में। हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में, हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में, हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में, अपनी टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में। जो अफगानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, जो अफगानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, जिनके बाजू के सर की क्यारी तक बढ़ते देखे हैं, जो दामन में ओसामा लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, उनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत चला गया, और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया, और वार्ता करने उनके दरवाजे पर। कैसा लगा होगा भारत का वहां जाना, कहने की हिम्मत में कर रहा हूं तालियों का साहस आप करना। दो पंक्ति सुनना, कैसा लगा होगा जब भारत के अधिकारी कंधार वार्ता करने गए होंगे, तो उसको एक रूपक देता हूं सुनना। उनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत चला गया, और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया, भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया, भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया, एक शेर कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने पहुंच गया, एक शेर कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने पहुंच। अफगानी चेहरे पर उजले मन के भीतर काले थे, पूरा महाभारत याद कर लेना। अफगानी चेहरे पर उजले मन के भीतर काले थे, तालिबान के सारे पासे मामा शकनी वाले थे, तालिबान के सारे पासे मामा शकनी वाले थे, उनसे कोई आशा करना दिल्ली की नादानी थी, इस चौसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी, इस चौसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी। दिल्ली के दरबार फैसले गलत वरण कर बैठे है, पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर बैठे हैं, पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर बैठे हैं, स्वाभिमान को रहन किए बैठे हैं हम, खुददारी को दहन किए बैठे हैं हम, मैं खुददारी को दहन किए बैठे हैं हम, मैं दरबारों की लाचारी को चाणक्य पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा। और गंभीर होना साहब, जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, जो रमजान के महीने में किसी मासूम का अपहरण करके हत्या कर सकता है वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में, उनको फर्क नहीं। और कहा सरकार ने क्या करते, इट वॉज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई से इट वॉज द लास्ट ऑल्टरनेटिव, बहुत रास्ते थे। जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। फिर से पढ़िएगा।
जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध लिया होता, और चुनौती दे दी होती सीधे रावल पिंडी को, भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते, और शिखंडी को भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते, और शिखंडी। हमारे 200 आदमी किसी की कैद में पड़े हो और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में खून ना उतरे, काश हमारे दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, अटल बिहारी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता, नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोचे भी आई जो भारत के वाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े करिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े करिंदों, बंधक भी बसते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, बंधक भी बसते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, और हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता, आतंकों के आंधी तूफान बादल सब रुकते दिखते, चंदा तारे भारत माँ के चरणों में झुकते दिखते, काश उन्हें हम हिंदुस्तानी पानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद दिला, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, वी आर सॉफ्ट कंट्री, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, काल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं, काल पे चाटा खाते रहने वाले गांधी, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं, ये कायरता का ना खेल हुआ होता, ये कायरता का ना खेल हुआ होता, धरती पर सरदार पटेल हुआ होता, ये कायरता का ना खेल हुआ होता, ये कायरता का ना खेल हुआ होता, गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता, उग्रवाद की उम्र सांझ कर दी जाती, आतंकों की कोख बांझ कर दी जाती, आतंकों की कोख बांझ कर दी जाती, मैं इस नादानी पर मुट्ठी कसकस कर रह जाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा, और मेरी शिकायत केवल सरकार से ही नहीं है साहब, उन परिवारों से भी है जिन्होंने प्रधानमंत्री निवास के सामने ऐसे प्रदर्शन किया, ऐसे रोए कि लगा कि अब दुनिया में कोई जीवित नहीं बचा, सरकार को समझौता नहीं करना चाहिए था, उनको समर्पित करता हूं पंक्तियां सुनना, बंधक जन के परिजन भी सब खुदगर्जी में झूल गए, समर्थन चाहूंगा सब आपको लगे ये एहसास सत्य के करीब है, बंधक जन के परिजन भी सब खुदगर्जी में झूल गए, अपने रिश्ते याद रहे भारत माता को भूल गए, अपने रिश्ते याद रहे भारत माता को भूल गए, उनके हर परिजन ने कायर होने का आभास दिया, नहीं किसी ने देश प्रेम का दिल्ली को विश्वास दिया, काश की उनके परिवारों ने हिम्मत ना तोड़ी होती, हमने जग में देश प्रेम की नई कथा जोड़ी होती, यात्रियों के परिवारों की भी कोई जिम्मेदारी थी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से हारी थी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से हारी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से, और एक पंक्ति का एहसास आपके दिल को छील जाए, आपको लगे आपके दिल के बहुत करीब से इस छाले को तोड़ता है, छाले को जोड़ता है, तो एक पंक्ति पर समर्थन चाहता हूं सुनना, क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, देश की रक्षा केवल सैनिक करेगा और किसी की जिम्मेदारी देश के मरने के लिए नहीं है, क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं, मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, उधम डायर से बदले को दीवाना हो जाता है, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाए वफादारी में बेटा कटवा देती है, पन्ना धाए वफादारी में बेटा कटवा देती है, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, ये गाथा
देती है। हाड़ी रानी शीस काट कर थाली में रख देती है। हाड़ी रानी शीस काट कर थाली में रख। मुझे कोई पूछे कि सबसे बड़ा मजाक बताओ दुनिया में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है जब क्लिंटन साहब भारत आए, वाजपेयी जी से वार्ता हुई होगी, वाजपेयी जी ने जो कहा क्लिंटन से अखबारों में छपा, क्लिंटन ने जो जवाब दिया होगा वो नहीं छपा, ये मेरी कल्पना है। हमारी शिकायत है पूरी दुनिया से कि आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करते। क्लिंटन साहब से भी वाजपेयी जी ने मिलते ही सबसे पहला यही कहा होगा कि आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, ये अखबार में छप गया। अपने अपने मन पर जोर डाल के सब ईमानदारी से विचार करना, क्या क्लिंटन ने यह नहीं कहा होगा कि क्या आपने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया? नहीं, दुनिया करे उसे आतंकवादी, हम नहीं करेंगे। हमको तो उनसे क्रिकेट में हारना है, उनकी चीनी खानी है, उन्होंने जाली नोट छाप रखे, उनको भारत में लाने की समस्या है, इसलिए हमने बस चलाई, सुविधाएं दी। वो घुसपैठ कर रहा है, सुविधाएं हम दे रहे हैं, ट्रेन से आओ चाहे बस से आओ, पर आओ, कहने की व्यवस्था समझिए। अब जगके दादाओं से डरना छोड़ो और कराची से अपना नाता तोड़ो, अब एक और महाभारत लड़ना होगा, चक्र सुदर्शन लेकर के अड़ना होगा। मैं अर्जुन को श्री कृष्ण की गीता याद दिलाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। एक रूबिया की मुक्ति का निर्णय गलत हुआ हमसे, एक रूबिया की मुक्ति का निर्णय गलत हुआ हमसे, और तभी से पूरी घाटी भर गई आतंकी तमसे। हमने अपनी खुददारी के सही जलजले नहीं किए, और हमारे दरबारों ने लौह फैसले नहीं किए। हमने अपनी खुददारी के सही जलजले नहीं किए, और हमारे दरबारों ने लौह फैसले नहीं किए। अर्जुन मछली की आंखों पर तीर चलाना चूक गए, अर्जुन मछली की आंखों पर तीर चलाना चूक गए। मुट्ठी भर जुगनू सूरज के जोत कलश पर थूक गए, मुट्ठी भर जुगनू सूरज के जोत कलश पर थूक। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। आखिर यूं डरते डरते दुनिया से क्या ले लेंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, किसी ने कहा आतंकवादी क्यों छोड़ने पड़े। मैं इस सवाल पर सवाल उठाता हूं कि ये आतंकवादी हिंदुस्तान में जिंदा क्यों थे, जीवित क्यों थे ये? अभी चुनाव होते हैं तो कानून बनेगा, अखबारों में छपेगा, जो मत पत्र लूटता मिले उसको देखते ही गोली मार दो। आदेश आता है सरकार का, जो बूथ लूटता मिले उसको देखते ही गोली मार दो। बूथ लूटना इतना बुरा काम है क्या? अरे ये गुंडा नहीं जीतेगा, वो गुंडा जीत जाएगा, क्या अंतर पड़ता है? जिन्होंने देश की इज्जत लूट ली उनको देखते ही गोली मारने का आदेश हिंदुस्तान की सरकार ने कभी भी नहीं दिया। तब गाता हूं, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिन, मुझे हिम्मत देना साहब जो मैं कहने जा रहा हूँ, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली। न्याय व्यवस्था इनके निर्णय में मजबूर रही कैसे, इनकी गर्दन फांसी के फंदों से दूर रही कैसे। कानूनों की हथकड़ियों को कड़ा करो, इनको फांसी के तख्तों पर खड़ा करो, पागल कुत्ते की हत्या मजबूरी है, गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है, गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है। मैं बजरंग बली को उनकी ताकत याद दिलाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा।